सो गाइज, मैं नेम इज़ आशीष एंड यू आर वॉचिंग रिसल स्ट्रोक सेथ रोलिंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि कल के रेसलमेनिया के नाइट वन में हमें सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है, तो इस मैच के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर पहली बार मीट करो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन पर ऑल पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसा कि गाइज आपको मालूम होगा कि कल के रेसलमेनिया के लिए WWE अनाउंस कर रही है कि हमें सेथ रोलिंस का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सेथ रोलिंस के साथ कितना बड़ा ड्रामा होता है, लेकिन फिर भी WWE को तो कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं देखते हैं, तो मैं बता देता हूँ सेथ रोलिंस का क्या होता है कि पहले वो डे वन पेपर व्यू में उनका चांसेस रहता है कि वो WWE चैंपियनशिप को जीत सकते हैं फैटल फाइव वे में, जिस मैच में ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियनशिप को जीतते हैं, तो उस मैच में तो उनका पत्ता कट जाता है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर ये कहते हैं कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जनवरी में जो हमें रॉयल रंबल देखने को मिलने वाला है वहां पर वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीत सकते हैं और वो रोमन रेंज को हराएंगे एंड फकिंग वहां पे भी वो हार जाते हैं। एलिमिनेशन चैम्बर में एक बार उनको फिर से दोबारा मौका मिलता है लेकिन वहां भी वो हार जाते हैं। उसके बाद गाइस क्या होता है, एलिमिनेशन चैम्बर के बाद उसके बाद तीन वीक के मंडे नाइट रॉ में, यानी कि उसके तीसरे वीक के मंडे नाइट रॉ में ये होता है कि रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए इनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, उस मैच को भी वो हार जाते हैं। काफ़ी इनको मतलब निराशा मिलती है। उसके बाद वो अपने इनकी दोस्ती भी टूट जाती है केविन ओवेंस से। उसके बाद विंस मैकमैन बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक ओपोनेंट देने वाला हूँ लास्ट वीक के मंडे नाइट रॉ में। वो जाते हैं WWE के हेड ऑफिस में और वहाँ पे विंस मैकमैन उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपना ओपोनेंट तुमको सेलेक्ट करके दूंगा। और गाइज अब हमें देखना होगा कि उनका ओपोनेंट कौन होने वाले हैं। तो गाइज जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो ओपोनेंट और को नहीं बल्कि कोडी रोड्स होने वाले हैं। इट मीन्स डैट कि गाइज कल के रेसलमेनिया के नाइट वन में कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रोलिंस के बीच में हमें सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है और सबसे ज़्यादा रूमर्स यही चल रहे हैं कि कोडी रोड्स ही उनके मिस्ट्री ओपोनेंट होने वाले हैं। बाकी गाइज आपको क्या लगता है आप मुझे जाके बता सकते हो। तो बाय बाय फ्रेंड्स।